शिव शक्ति सामाजिक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश वाराणसी ने कड़ाके की ठंड व शीतलहर को देखते हुए ग्राम मुडवा देव पोस्ट टिकरी वाराणसी में असहाय जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया गया, जिसमें लगभग 200 कंबलों का वितरण किया गया। शिव शक्ति सामाजिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने मीडिया से बताया कि हमारी संस्था का प्रयास है कि हमेशा इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों को करते रहें और जहाँ भी समाज हित में कोई भी कार्य होता है हमारी संस्था हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहती है। वर्तमान समय में संस्था ठंड से छुटू रहे असहाय जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आकर कंबल बांटने में लगी हुई है, जिससे कि उन लोगों की मदद हो सके और खुले आसमान में पटरी किनारे रहकर अपना गुजर बसर करते हैं और उन्हें इस कड़ाके की ठंड में कोई देखने वाला तक नहीं। हम लोगों के द्वारा ठंड से निजात दिलाने का प्रयास में कंबल वितरण कर राहत देने की कोशिश की जा रही है। कंबल वितरण के दौरान मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, मीडिया प्रभारी संतोष वर्मा, प्रदेश सचिव चंचल मिश्रा, शुभम केशरी, महानगर अध्यक्ष वाराणसी जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार राय, सागर यादव, महानगर प्रमुख सचिव अमित मिश्रा, प्रदेश कोषाध्यक्ष इरफान अंसारी, आशुतोष सिंह सहित इत्यादि लोग उपस्थित रहे। एक एक लाइन से आओ जो सबको बता दें। वीरेंद्र कुमार राय। हाँ वीरेंद्र जी, आज क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने लगभग 3-4 गांव के गरीब असहाय पिछड़ी महिलाओं को बुला करके उनको इस कड़ाके ठंड में उन्होंने कंबल का वितरण किया है। आज कितने कंबल वितरण किया आपने? लगभग 200 प्लस रहेगा। 200 प्लस। क्या कहना चाहेंगे आप? और हमारी माताएं बहनें खुश रहें, उसी में हमें खुशी है। अभिमन्यु सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शिव शक्ति सामाजिक कल्याण समिति। अभिमन्यु जी, आज कितने लोग कंबल वितरण किया, कहाँ पे किया? आज हम लोग ग्राम सभा टिकरी में 200 लोगों का कंबल वितरण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और क्या लक्ष्य है आप लोग का? हम लोग का लक्ष्य लगातार चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, जैसे हम लोग दुर्गा कुंज में वितरण किए, अंध विद्यालय में वितरण किए, वृद्धाश्रम वितरण किए और लगातार आगे कार्यक्रम चलता रहे। क्या कहना चाहेंगे आज? गरीब मजलूम दुखी बेसहारों का सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है और धर्म। अन्य समाज सेवी संस्थाओं से क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी काम करते रहे, दुखी गरीब मजलूमों बेसहारों का मदद करते रहे, यही अन्य सुझाव।